चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ई सी जी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एनर्जी ग्राम इलेक्ट्रो एनसीओ फैलोग्राम इलेक्ट्रो आई ग्राम या इनमें से कुछ भी नहीं तो हम बात करते हैं ई e सी जी की ई सी जी जो स्टैंड करता है इलेक्ट्रो एन हेलोग्राम जो टेस्ट करता है पूरी परफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन की जो बिलियन ऑफ नर्व सेल होते हैं इन इनआवर ब्रेन में जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल और ब्रेन वेव्स वहाँ से राइस होती हैं जो हम ई कराते हैं ठीक है इलेक्ट्रो एनसीओफेलोग्राम ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा किसका ई का ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं विच वैसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल अप दी प्लांट स्टेम जो जाइलम वैसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और अदर सॉलुबल मिनरल थ्रू अ प्लांट और ये जो ट्यूब्स हैं किससे बनी होती हैं लॉन्ग और डेड सेल से जिनमें जो सेल बॉल इंट्रैक्ट करती है जो वाटर होता है वो सक किया जाता है डिफरेंट प्रेशर्स पे और अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स को जो पहुंचाया जाता है जो टिश्यूज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन करते हैं उसके बाद फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स ऐप्स एपीडर्मल क्या करते हैं आउटर लाइनिंग करते हैं प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर्माफोर डाइट अर्थवाम लीच या ऑल हर्थबाम स्पॉन्ज टेप लीच जे हर्मेफोरोडाइट्स की एग्जाम्पल हैं जो बाई एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हेमोफोरोडाइट्स उसके बाद एनिमल हैविंग आइदर मेल और फीमेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्चुअल स्पीशीज जैसे एग्जांपल काकरोच हो गया ठीक है ये सारे हमारे क्या आते हैं यूनिसेक्चुअल आते हैं ठीक है तो ये आपने याद रखना है जो बाइस में हेमोफेरोडाइट होते जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिकेट्स इज कास्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ए बी सी तो विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होती हैं केमिकल नेम डी का कैल्सिफिरोल ए की डिसीज की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बी का बेरी बेरी सी का स्कर्बी ठीक है ये आपने याद रखना है इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं डेली बेस पे सुबह आठ बजे इंग्लिश का शाम को आठ बजे जीएस का कंटिन्यूसली मैनर पे आपको मिलता और कॉन्टिन्यू मिलता रहेगा आपके जितने भी अपकमिंग जेके एस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन्स हैं और अपकमिंग जेके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है इन इनऑर्डर टू मिक्स द स्टोरेज फूड ग्रेन्स फ्राम इंसेक्ट फार्मर यूजली मिक्स विद नीम लीव्स मैंगो पीपल ऑरेंज तो नीम लीव्स जो नीम लीव्स है वो वाइडली यूज किए जाते हैं रिपेल करने के लिए पेस्ट को जो स्टोर्ड फूड किए होते हैं ठीक है जो साइंटिफिक नेम है नीम का वो क्या हो जाता है एजा डिरेक्ट का इंडिका ठीक है इसको हम माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं ये इफेक्टिव अगेंस्ट मास्किटो भी है नीम नेक्स्ट क्वेश्चन डैश थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टेलस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल टू मोर कंप्लेक्स फॉर्म ड्राइन वैलिस मैंडल लेमार्क तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ड्राइन की थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे इन्होंने दी है एटीन फिफ्टी नाइन में ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क मिल्क में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं अब बात करें मिल्क एक गुड सोर्स है किस किस का जो फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें होते हैं ए डी ई e के सब और कॉम्बिनेशन है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का मिल्क को जो गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हम मानते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम सेलिनियम जिंक भी होते हैं जैसे कैल्शियम विटामिन डी प्रोटीन फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम विटामिन बी ट्वेल्व जिंक ये मेजरली फाउंड होते हैं मिल्क में प्रोटीन कैल्शियम विटामिन ठीक है विटामिन ठीक है विटामिन डी आ जाती है प्रोटीन कैल्शियम और विटामिन डी हो जाते हैं प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ वाइट ग्रीन रेड एंड ब्लू रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं जो एक इंडियन जेंटिसिस्ट थे इन्होंने वर्क किया था ग्रीन रेवोल्यूशन परफॉर्म में और जिन्होंने 1960 में इंट्रोड्यूस करा था हाई जीडिंग सेमी डोआरफ मैक्सिकन वेराइटी ऑफ वीट ठीक है जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था कंट्री में जिसमें फूड ग्रेन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई थी नॉट ए ब्लड ग्रुप ओ ए ए बी या सी सी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप को जो कार्ल लिंसटिनर ने जो डिस्कवर करा था ठीक है ये याद रखना है यूनिवर्सल जो डोनर हो जाता है वो कौन सा होता है ओ और यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा हो जाता है ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं बढ़ते हैं वेयर इज रोहोडॉपसिन कॉल्ड वाइसपल पर्पल लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी हेयर हैंड नेल या आई तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो रॉड कंटेंट्स पर्पलिश रेड प्रोटीन होती हैं जहाँ रॉड पॉसिन और विजुअल पर्पल वो कहाँ पे होती हैं विटामिन ए जाने की आइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ये आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट सेशंस थे अगर इनके रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको इसका इंपॉर्टेंट पी लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट सभी पी को डाउनलोड कर सकते हो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही